हेलो बच्चों, तो लास्ट वीडियो में हमने किया था क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 का क्लास 6 का मैथ्स। तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। 3 से शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्लास 6 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, राइट द नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो इन नंबर्स को क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो मैं आपको अभी बता दूंगी। ये क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म दिया है, एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है इसको। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या दिया है, फर्स्ट वाला फर्स्ट मैं नोट डाउन करूंगी। ए का 1, 3, 2, 6, 1, 5। तो इसको क्या करना है, मुझे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म में फर्स्ट कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हमेशा स्टार्ट करिए पूरा लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में क्या है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या करिए, 1 लिखिए। 1 के बाद कितना डिजिट है, 3, 4, 5, 5 डिजिट है, तो 5 0 दीजिए। 5 0 हो गया, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 5 0 हो गया। उसके बाद 3 है, 3 के बाद कितना डिजिट है, 4 डिजिट है, तो यहाँ पे 3, 1, 2, 3, 4, 4 0 हो गया। उसके बाद 2 है, 2 के बाद कितना डिजिट है, 3 डिजिट है, तो यहाँ पे 3, 2, 3, 0 दे दीजिए। उसके बाद क्या है, यहाँ पे 6 के बाद कितना डिजिट है, 1, 5 ही है, तो 2 डिजिट दीजिए, 2 0 दीजिए। उसके बाद क्या है, 15 है, 15 को 10+5 लिखिए। तो यहाँ पे ये क्या है, इन अगर इसको हम लोग पढ़ेंगे तो ये क्या है, 1,32,615। 1 लाख मतलब ये है 1 लाख, ये वाला क्या है, 1,32,615। तो ये क्या हो गया, 1,32,000 दिया है, 30,000, तो ये 30,000, 2,000, 2,000, 600, 610+5। हमेशा याद रखिए, एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब होता है जिसको हम एक्सपेंड करते हो, एक्सपेंड करते हो। तो ये कौन से प्लेस में, लैक के प्लेस में है, इसलिए यहाँ पे लैक लिखा। ये वाला कौन किसके प्लेस में, 30,000 के प्लेस में है, तो यहाँ पे 30,000 लिखा है। ये वाला कौन से प्लेस में, 30,000 मतलब 10,000 के प्लेस में, तो ये क्या है, 1,000 के प्लेस में है, तो यहाँ पे 2,000 लिखा है। सेम नंबर लिखना है और उसका प्लेस वैल्यू लिखना है। तो फिर यहाँ पे 6 है, ये कौन सा 100 में है, तो ये 600 हो गया। ये कौन से में है, टेंस में है, 1s 10s, तो यहाँ पे 10 हो गया। हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको प्लेस वैल्यू वैसे याद नहीं रह रहा है तो हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे 1 दिया है, उसके बाद जितना डिजिट दिया हो उसको 0 में लिख दीजिए। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 5 डिजिट है, तो मैंने 5 0 पुट कर दिया। 3 के बाद देखिए, 3 के बाद वाले नंबर में कितना डिजिट है, 4 डिजिट है, तो यहाँ पे मैंने 4 0 दे दिया। फिर 2 के बाद कितना डिजिट है, 3 डिजिट है, तो मैंने यहाँ पे 3 0 दे दिया। 6 के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट, तो मैंने यहाँ 2 0 दे दिया। 1 के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, 1 ही, सिंगल 5 ही है, तो इसीलिए मैंने 1 0 पुट किया। उसके बाद 5 के बाद कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए मैंने 5 लिख दिया। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। मैं उसका और एक सेकेंड करके बताती हूँ। सेकेंड करने के बाद बाकी का थर्ड और फोर्थ आप खुद करिएगा। 3, 7, 3, 2, 0, 1, तो इसको मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूंगी। एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखना है, फर्स्ट मैंने क्या कहा, ये नंबर लिखना है 3, तो यहाँ पे 3 मैंने लिख दिया। उसके बाद कितना डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 डिजिट है, तो मैं 6 0 पुट करूंगी। 3, 4, 5, 6 प्लस, अब क्या है, 4, तो मैं 4 लिखूंगी। ये 4 के लिए, 4 के बाद देखिए कितना 0, 4 के बाद कितना डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 4 के बाद कितना है, 5 डिजिट है, तो मैं क्या करूंगी, 4 के बाद 5 0 लगाऊंगी, 1, 2, 3, 4, 5, तो मैंने 4 के बाद 5 0 लगा दिया। उसके बाद 3 के बाद कितना है, 3 है, ये वाला 3 है, उसके बाद कितना नंबर है, 3 नंबर है, तो मैं 3 0 लगाऊंगी। उसके बाद 2 दिया है, 2 के बाद कितना डिजिट है, 0 1 है, तो मैं 0 0 लगाऊंगी। उसके बाद 0 है यहाँ पे, 0 तो 0 ही हो जाएगा। फिर प्लस 1, 1 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है, तो यहाँ पे ये 1 होगा।
आई होप क्वेश्चन नंबर 3 का 1 और 2 समझ आया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड और फोर्थ आप खुद करिएगा। अगर आपको कुछ डाउट है थर्ड फोर्थ में तो मुझे पूछिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।